गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस क्लास में मैं आप लोगों को करंट अफेयर डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊंगा। डेली मॉर्निंग में 4 बजे जो है करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये करंट कैप्सूल नाम से आपका ये नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आज आपका पहला क्लास है। इसी तरीके से डेली बेसिस पर क्लास मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और इसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें अप्रिशिएशन मिलता है और हमें पता चलता रहता है कि आप हमारे कोर्सेज को कितना पसंद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में प्रोवाइड करूं, इस सीरीज़ में प्रोवाइड करूँ, वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहें, यानी कि उम्मीद रहे कि क्वेश्चंस वो परीक्षा में पूछे जाएँ। मैंने जितने भी वर्षों के पेपर्स को एनालिसिस किया है, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम के होते हैं जनरली वन डे के, उनको मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत टफ भी नहीं होता, बहुत इजी भी नहीं होता। तो मैं उस लेवल को ध्यान में रखूंगा और डेली बेसिस पर जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसको भी शामिल करूँगा, और अगर कुछ करंट अफेयर रह जाते हैं किसी अदर न्यूज़पेपर में तो उनको भी शामिल करूँगा। तो ओवरऑल जितने भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं उनसे मैं करंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। जिस तरीके से क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी मैं इसमें पिक्चर मैप सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मेंढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है माइक्रोहिला ईओस, इसकी खोज की है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा आगे से जो भी चीज़ें हों वो बेहतर तरीके से आपके सामने और प्रेजेंट हों। ये जो प्रजाति है ये नामदफा बाघ अभयारण्य के सदाबहार वनों में पाई जाती है और इस प्रजाति का जो नाम रखा गया है वो ईओस रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने जनवरी 2018 से अब तक किस ग्लेशियर से लगभग 130 टन ठोस अपशिष्ट, जिसे सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, उसको हटाया गया है। ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी नामी ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर और ऑप्शन डी मिलम ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। तो भारतीय सेना ने स्वच्छ जो भारत अभियान है या स्वच्छ अभियान जो है उसके तहत दुनिया की सबसे खतरनाक जो रणभूमि है जिसे सियाचिन ग्लेशियर माना जाता है, इसके इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो अपशिष्ट थे, जो सॉलिड वेस्ट थे, उसको हटाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने फेसलेस ई मूल्यांकन योजना को लागू करने हेतु किस शहर में एक राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप जो लोग भी इंग्लिश चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं वो भी पढ़ें, आगे मैं आपको बायलिंगुअल चीज़ें समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र में 16 अधिकारी होंगे और इसमें एक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जो है वो अध्यक्षता करेगा ई मूल्यांकन केंद्र का, और ये एक फ्री या फिर जिसे स्वतंत्र कार्यालय बोलते हैं, ऑफिस, फ्री ऑफिस जो होता है उस तरीके का होगा और ये ई मूल्यांकन के काम को देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व लेग स्पिनर पर 1 साल के लिए ड्राइविंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऑप्शन ए है नाथन लियोन, ऑप्शन बी है ग्लेन मैक्रा, सी है एडम जंपा एंड डी है सेन वारन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सेन वारन। तो डी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेन वारन पर यह प्रतिबंध पिछले 2 साल के लिए दौरान 6ठी बार जो है लगाया गया है, और खास करके उनके द्वारा गति जो मानक होते हैं, जो स्पीड जो बनाए गए हैं एक मेज़रमेंट, उसके उल्लंघन करने के बाद जो है उन पर लगाया गया है। और फिलहाल वो इंग्लैंड में जो टी टेन क्रिकेट चल रहा है उसमें वो एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ पर वो कोचिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु फिल्म में इंडस्ट्री के किस मशहूर कॉमेडियन का 39 साल की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए है ब्रह्मानंदम, ऑप्शन बी है उदय किरण, ऑप्शन सी है वेणु माधव और ऑप्शन डी है वेंकट प्रभु प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वेणु माधव। वेणु माधव जो है एक मिमिक्री आर्टिस्ट 9 के तौर पर इनको फिल्मिक करियर के रूप में ये शुरुआत किए थे, और इनको खास करके मिमिक्री आर्टिस्ट या फिर कॉमेडियन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई सारे फिल्मों में काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य किया है और लगभग 200 फिल्मों में इन्होंने काम किया है तमिल और तेलुगु भाषा के
से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कौन एथलीट को IAAF द्वारा वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट, ऑप्शन सी है मैरी कॉम एंड ऑप्शन डी है पीटी उषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा। तो पूर्व भारतीय महिला धाविका पीटी उषा को इंटरनेशनल एथलेटिक्स फाउंडेशन यानी कि IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पीटी उषा को ये भारत की उड़न परीक के नाम से इनको जाना जाता है, इनका एक उपनाम है। इनको IAAF की जो 52वीं कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड भी दे दिया गया है 1983 में। इसके बाद उन्हें भारत सरकार के द्वारा श्रीपद जो पद्मश्री है उससे भी सम्मानित किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष 2019 को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए है 25 सितंबर, ऑप्शन बी है 26 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 सितंबर एंड ऑप्शन डी है 28 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के माह की जो आखिरी बृहस्पतिवार होता है उसको विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी वो समुद्री समुदाय में महिलाओं का सशक्तिकरण। इसके तहत जो है जो IMO है यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, उसने इस सेक्टर में यानी कि ये जो समुद्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस सेक्टर में लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किए जाएं इसके बारे में जो है उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद एंड ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। तो केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अकॉर्डिंग देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाएगा और इनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जाएगी। और इसके तहत एक वर्ष के अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, मतलब 1 ईयर में मैक्सिमम 3 अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला 2020 क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेटर का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है नंदिनी दास गुप्ता, ऑप्शन बी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी है दीप्ति त्यागी एंड ऑप्शन डी है कल्पना नारायण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शेफाली वर्मा। ये 15 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 वर्ष और 239 दिन की उम्र में मैच में भाग लिया था, मतलब लगभग 16 साल इनकी उम्र हो गई थी तब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और शेफाली से पहले भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली यानी कि जो शुरुआत करने वाली खिलाड़ी थी उनका नाम गार्गी बनर्जी था। उन्होंने अब तक कुल 1923 रन बनाए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, ये जो यहाँ पर 20 और 20 लिखा रहता है तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टी जो है वो आपका 20 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं 2020 बोला जाता है क्योंकि T20 मतलब 2020, ठीक है, टीवी 20 नंबर पर आता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है ललिता मलिक, ऑप्शन बी है सुमन अवस्थी, ऑप्शन सी है पायल जांगिड एंड ऑप्शन डी है पल्लवी नाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पायल जांगिड। खास करके समाज में बदलाव लाने के लिए राजस्थान की ये रिलेटेड पर्सन है और इनको जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब एक विशेष परिवर्तन आप लाएं तो ये अवार्ड दिया जाता है। पायल जांगिड को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए या उसको रुकवाने के लिए जो उनके प्रयास किए गए हैं उस वजह से दिया गया है। इसके अलावा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है और पायल जांगिड को महज 17 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो गोलकीपर अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री को भी दिया गया है, इसके अलावा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है वो पायल जांगिन को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आज का जो करंट अफेयर का ये पहला पार्ट था, पहला सीरीज था, वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। इस तरीके से डेली बेसिस पर मैं और भी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार तरीके से पिक्चर्स के साथ, मैप के साथ, जो भी चीज़ें एडिशनल जानकारी की होंगी वो भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट आपको अप्रिसिएट करना होगा, शेयर करना होगा। जितने ज़्यादा आप प्यार देंगे इस वीडियो को, क्लासेस को, उतना ही बेहतर तरीके से मोटिवेट रहेंगे क्लास को करने के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको मोटिवेट करते हैं, ज़रूरी है कि आप भी हमें मोटिवेट रखें। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ साथ अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे मैं कोशिश करूँगा आपको डेली एक से दो क्वेश्चंस दूँ, जो एक तरह से होमवर्क के लिए हो, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। क्लास की टाइम 4 बजे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट हो 4 से और कोई समय रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दें, मैं उस पर जो है एक बार विचार ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में।